क्या कांग्रेस नेताओं पर नहीं हो रहा राहुल गांधी की अपील का असर? संदीप दीक्षित ने पीएम मोदी को क्यों बोला विदेशी कंपनियों का एजेंट? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही अपने पार्टी नेताओं को पीएम मोदी पर निजी हमला करने से बचने की सलाह देते हों, भले ही राहुल गांधी प्यार से विरोधियों को मात देने की बात करते हों, लेकिन पार्टी नेताओं पर उनकी सलाहों का कोई खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम पर दिए गए पीएम मोदी के भाषण की आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए संदीप दीक्षित ने न सिर्फ पीएम मोदी को विदेशी कंपनियों का एजेंट कहा, बल्कि विदेशी कंपनियों का बगल बच्चा होने का आरोप भी लगाया है। इस वीडियो में संदीप दीक्षित कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि दावोस कुछ नहीं है, वहाँ दुनिया भर के पूंजीपति आते हैं जो ये सोचते हैं कि कहाँ निवेश करें, कहाँ से हम पैसा निकालें, कहाँ से हम कमाई करें। वो एक तरीके से पूंजीपतियों का क्लब है। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री हाथ फैलाकर कहें कि आइए हमारा देश आपकी फैक्ट्रियों, आपके शोषण के लिए पेश है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो पीएम मोदी को विदेशी कंपनियों का वायसराय तक कह डाला। उधर पीएम मोदी पर संदीप दीक्षित के इस हमले से बीजेपी बिफरी हुई है। कांग्रेस पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए नलिन कोहली ने कहा कि संदीप दीक्षित का ये बयान कांग्रेस के लिए शर्मनाक है और इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं जब संदीप दीक्षित ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने अपने एक बयान में सीमा पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक को ड्रामा बताया था। साल 2017 में भी अपने एक बयान में उन्होंने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा करार दिया था। हालांकि राहुल गांधी की फटकार के बाद संदीप दीक्षित ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। ऐसे में पीएम मोदी को लेकर दीक्षित का विवादित बयान हैरान करने वाला है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।